दोस्तों हैकर्स के बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा और आप दुनिया के कई मशहूर हैकर्स के बारे में जानते होंगे। क्या आपने कभी ऐसे हैकर्स के बारे में सुना है जो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं बल्कि फोन लाइंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ों को भी हैक कर लेता था। ये हैकर्स इतना चालाक था कि अपनी पूरी जिंदगी में ना तो कभी बस का किराया देना पड़ा और ना ही फोन का बिल। एक जमाने में ये नोकिया और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था। दोस्तों सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि इसने FBI के भी नाक में दम कर दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये हैकर कौन है और ये किस तरह अपने जुर्म को अंजाम देता था। दोस्तों इस हैकर्स के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिएगा तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 6 अगस्त 1963 को, क्योंकि इसी दिन दुनिया का मोस्ट वांटेड हैकर केविन मिटनिक का जन्म अमेरिका के लॉस एंजेलिस में हुआ था। मिटनिक का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था और उसके सोचने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग था। वो सिस्टम में कमियां ढूंढकर उनका फ़ायदा उठाना अच्छी तरह जानता था और इसकी शुरुआत मिटनिक ने मात्र 12 साल की उम्र में ही कर दी थी। दरअसल सन 1975 में लॉस एंजेलिस शहर के अंदर बसों में पंच कार्ड सिस्टम का यूज किया जाता था। इसका मतलब ये था कि जब भी कोई व्यक्ति बस में सफ़र करता है तो कंडक्टर उसको टिकट देते समय उसमें एक छोटे आकार का छेद बना देता था ताकि कोई भी व्यक्ति नकली टिकट बनाकर बस में सफ़र ना कर सके। अब जो कि मिटनिक का दिमाग जो बहुत तेज चलता था, जो कि उसने इस सिस्टम के अंदर एक कमी ढूंढ ली। दोस्तों वो कमी ये थी कि कंडक्टर हर बार टिकट में एक ही आकार का छेद बनाता था। इसलिए मिटनिक को ये समझने में देरी नहीं लगी कि उसको इस सिस्टम को हैक करने के लिए सिर्फ एक पंच होल बनाने वाली मशीन की ज़रूरत है। और इसके लिए मिटनिक ने बस ड्राइवर से बात करते हुए कहा कि उसको अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ये पंच होल बनाने वाली मशीन चाहिए। ड्राइवर ने भी स्कूल प्रोजेक्ट का सोचते हुए मिटनिक को बता दिया कि वो इस होल पंच मशीन को कहां से खरीद सकता है। दोस्तों उसके बाद क्या ही कहना, जहां एक तरफ उसके सभी दोस्त स्कूल जाते वक्त टिकट लेते थे, वहीं मिटनिक 12 साल की उम्र में मुफ्त में बस यात्रा करता था। दोस्तों मिटनिक के इस तरीके को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। लॉस एंजेलिस के ट्रांजिस्ट सिस्टम को हैक करने के बाद मिटनिक एक नए तरह की हैकिंग करने में जुट गया, जिसको फोन फ्रीकिंग कहा जाता था। दरअसल उस जमाने में इंटरनेट का चलन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो समय इंटरनेट का शुरुआती समय था। ऐसे में टेलीफोन ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको हैक किया जाता था। फोन फ्रीकिंग करने का मेन पर्पज बिना कोई पैसा खर्च किए मुफ्त में कॉल करना होता था। लेकिन दोस्तों मिटनिक इसको भी एक कदम और आगे ले गया, क्योंकि मुफ्त में कॉलिंग के अलावा किसी भी व्यक्ति का फ़ोन नंबर ढूंढने, अपना नंबर छिपाने और इनकमिंग कॉल का बिल किसी और के नंबर पर डालने में माहिर था। जो कि मिटनिक की उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो ये सब करके कानून तोड़ रहा है। दोस्तों वो किसी लालच में नहीं बल्कि मजे के लिए इस काम को करता था। एक बार मिटनिक ने अपने दोस्त लुइस के साथ मिलकर मैकडोनल्ड्स ड्राइव थ्रो स्पीकर हैक किया था, जिसकी मदद से वो कार में बैठे बैठे ही मैकडोनल्ड्स पे खड़े वाहनों को किसी भी प्रकार के संदेश दे सकता था। उसने इस काम के लिए मॉडिफाइड टू वे रेडियो यूज किया था और इस बार भी उसने ये मजा लेने के लिए किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि मिटनिक ने ये सब करना कहाँ से सीखा था। दोस्तों इसका जवाब पाने के लिए हमें मिटनिक के स्कूल के समय में जाना पड़ेगा। दरअसल जेम्स मोनरो हाई स्कूल में मिटनिक को रेडियो ऑपरेटर बना दिया गया था। जो कि मिटनिक का दिमाग बहुत तेज था, इसलिए रेडियो रोम के अंदर उसे ये समझने में देरी नहीं लगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वेवलेंथ और सिग्नल किस तरह काम करते हैं। इसके अलावा उसे कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में भी सीखने को मिला, जो कि उस समय बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी होती थी। समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, वैसे वैसे मिटनिक की हैकिंग स्किल भी बढ़ती गई। दोस्तों सन 1989 में जब उसकी उम्र मात्र 16 साल थी, तो मिटनिक पहली बार किसी कंप्यूटर नेटवर्क में घुसा था। ये कंप्यूटर डिजिटल इक्वायरमेंट कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी का था। मिटनिक ने इस कंपनी के सिस्टम में गलत तरीके से घुसकर उनके सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था। हालांकि मिटनिक को इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसके द्वारा ये किया गया बहुत बड़ा अपराध था, जिसकी सज़ा उसे भविष्य में मिलने ही वाली थी। साल 1981 में मिटनिक ने अपने दोस्त लुइस के साथ मिलकर पैक्विक बेल नाम की एक फ़ोन कंपनी के मेन फ्रेम को हैक किया था। दरअसल एक बार अगर मिटनिक मेन फ्रेम में घुस जाता तो वह फिर किसी भी कॉल को किसी भी नंबर पर डाइवर्ट कर सकता था। इसके अलावा वह किसी भी फ़ोन नंबर को किसी दूसरे पार्टिकुलर फ़ोन करने से ब्लॉक कर सकता था।
दोस्तों मिटने की वजह से पैकबिक बेल की कंपनी को बहुत सी कंप्लेन आनी शुरू हो गई, लेकिन उस समय इन लोगों को सिर्फ टेक्निकल एरर कहकर टाल दिया जाता था। एक बार तो मिटनिक पैकबिक बेल कंपनी की बिल्डिंग में घुस गया था। उसका प्लान कॉस्मोस रूम में जाकर सिस्टम से लोगों के पासवर्ड चुराना था, लेकिन मिटनिक का दोस्त लुइस उनके सभी गतिविधियों के बारे में एक दूसरे दोस्त को बताता था, जिसके बारे में मिटनिक को नहीं पता था। दोस्तों लुइस के इस दोस्त ने मिटनिक के इस काम की जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद मिटनिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 3 महीने की जेल सुनाई गई। सभी को लगा मिटनिक अब सुधर जाएगा, लेकिन जेल से आने के बाद हैकिंग के लिए उसका पागलपन और भी बढ़ गया। जेल से निकलने के बाद नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि NSA बन गई थी, क्योंकि मिटनिक उन लोगों की बातें सुनना चाहता था। लेकिन साल 1983 में जो उसने हैक किया था वो उसके जीवन का सबसे बड़ा हैक था। दरअसल मिटनिक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में पढ़ता था। उसने यूनिवर्सिटी के एक पुराने कंप्यूटर से ARPANET सिस्टम को हैक कर लिया था, जो उस समय आर्मी और बड़े बड़े कॉरपोरेशन द्वारा यूज किया जाता था। वैसे तो मिटनिक हमेशा अपने मजे के लिए हैक करता था, लेकिन दोस्तों इस बार मिटनिक के पास एक टास्क था, उसको BMS नाम के एक सोर्स कोड को सीज करना था। हालांकि उसका मिशन तो कामयाब हो गया, लेकिन दोस्तों उसको इस बार भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि फिर उसको उसके दोस्त ने FBI के साथ मिलकर मिटनिक को धोखा दिया था। इस अपराध के लिए मिटनिक को 2 साल की जेल और 6 महीने सुधार घर में बिताने की जेल हुई। लेकिन दोस्तों सबसे अजीब बात यह है, मिटनिक यहाँ भी नहीं रुका। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपना निशाना IBM, नोकिया और मोटरोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को बनाया, जिससे वह उस समय का सबसे वॉन्टेड हैकर बन गया था। बस यहीं से उसके और FBI के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ। FBI उसको बार बार गिरफ्तार करती और फिर वो छूटने के बाद किसी सिस्टम को हैक कर लेता। कई साल FBI से छिपने के बाद जब उसको 1995 में गिरफ्तार किया गया, उसको सरकारी कंप्यूटर को हैक करने, उसको नुकसान पहुंचाने और डाटा चोरी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके लिए मिटनिक को 5 साल की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी सन 2000 को उसको जेल से रिहा किया गया। वह जेल से बाहर आने के बाद मिटनिक हैकिंग के नाम को शुरू कर सकता था, लेकिन उसने इस बार अपने टैलेंट को सही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और वो FBI के साथ मिलकर काम करने लगा, क्योंकि मिटनिक ने कभी पैसों के लालच में कभी हैकिंग नहीं की थी और ना ही कभी किसी कंपनी को व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए FBI ने उस पर भरोसा जताया। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।